गढ़ है। अरे मुझे जवाब तो देने दीजिए, आप कौन है? आप कौन है? मैं जवाब तो देने दीजिए तभी तो जवाब दूंगा। लोगों को वापस जाने के लिए तस्लीमा गो बैक, आप है कौन? प्लीज एक्सप्लेन दैट फर्स्ट। बोलते रहिए, सिंपल क्वेश्चन, आप बोलते रहिए। वो मैं इस तरह आप बोलिए ना, आप है कौन? बोलते रहिए, आप बोलिए। पहले तो शांत होइए और बोलने दीजिए। अरे बिल्कुल शांत हूं, आप क्यों इतने टेंस हो गए? हमारे हिंदुस्तान में एक पेंटर गुजरा था एमएफ हुसैन नाम का, और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उस पेंटर ने हिंदू देवी देवताओं की कुछ गलत तरीके की तस्वीरें पेंट कर दी थी। उस वक्त भी आसिम वकार ने उसका विरोध किया था, प्रदर्शन किया था उसके खिलाफ, पुतला जलाया था उसका। सुनिए बात, सुनिए। मैं आपको कोई कॉम्पिटिटिव कंपटीशन, आप रेस में क्यों? आपको पूछा मैंने एमएफ हुसैन के बारे में, वो भी गलत था, ये भी गलत है। आप तस्लीमा के बारे में बात कीजिए, आपको डर लगता है? व्हाई कांट यू स्पीक अबाउट तस्लीमा? स्पीक अबाउट तस्लीमा। एक अकेली औरत से आप लोग सब डरते हैं। मुझे तो लग रहा है कि आप शोज में स्ट्रांग हैं, आपको आसिम वकार से डर लगता है, आप बोलने नहीं देते हैं। आप अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मुझे तो ये लग रहा है कि आप डरपोक आदमी हैं, आपको मुझसे डर लगता है, मुझे बोलने। जीना चौकत अली बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? कि इनको प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बोल पा रहे? जीना चौकत अली आप बताइए। ऐसे करते रहिए, मैं चुपचाप बैठा हूं, मुझे बोलने मत दीजिए। आपको शर्म नहीं आती है? आपने कैसे बात करते हैं आप? क्यों आपको शर्म आना चाहिए यार? आपको शर्म नहीं आती? शर्म आना चाहिए। आपने 6 या 7 साल स्वामी पर आपने 6 या 7 साल पहले 8 साल पहले आपने पत्थर लेके आपने अटैक किया था कि नहीं उनको? हैदराबाद में अटैक किया था? डर लगता है हैदराबाद में अटैक किया था? आदमी है आपको आसिफ प्रकाश डर लग रहा है? हैदराबाद में अटैक किया था? आप आदमी है आप? आपने फिजिकली अटैक किया था कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तस्लीमा नसरीन ने हिंदुस्तान कौन सा ऐसा काम किया जो हिंदुस्तान की शान में 4 चांद लग गए? तस्लीमा नसरीन ने कौन सा ऐसा काम किया है जो हिंदुस्तान तरक्की की राह पर चल गया? आपने क्या किया है? अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या किया है? असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया है? आप और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप होते हैं कौन? आप कौन है? कौन है? मैंने आपसे कहा कि आप डरते हैं, आप आपको जवाब पूछ रहे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई वुड यू स्टॉप हर? व्हाई इनसिक्योर ऑफ तस्लीमा नसरीन? वन सेकंड, जीनत चौकत अली प्लीज, जीनत। आई थिंक दैट यू नो इफ अ लेडी नोबडी इज हु हाउएवर मच यू मे डिसएग्री सर, जिस औरत को उसके मुल्क ने निकाल दिया, जिस औरत को उसके पैदाइश होने वाले मुल्क में बाहर निकाल दिया है, उसको आप पनाह क्यों दिए हुए? मुझे आप ये बताइए। सो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछिए ना वकार साहब, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछिए, आप उसका वीजा कैंसिल कराइए। एमएफ हुसैन और तस्लीमा नसरीन दोनों का गुनाह एक जैसा है। इंग्लैंड की नागरिकता लेना पड़ी थी अर्णब, जो गुनाह एमएफ हुसैन ने किया है वही गुनाह आई वुड लाइक टू आस्क।